बैक टू द सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे आपको ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे सॉफ्टवेयर के। ओके, सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले शॉर्टकट के बारे में। ओके, सो शॉर्टकट एक ओपन सोर्स फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप अपने वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, काइंड ऑफ फेमस भी है और बहुत लोगों से रिकमेंडेड भी है। सो फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप में ये सबसे बेस्ट है शॉर्टकट, क्योंकि ये बहुत इजी भी होता है, रिलायबल भी है और कन्वीनियंट भी है यूज़ करने के लिए, और बिगिनर्स के लिए भी इजी होता है यूज़ करना। ओके, सो आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए ही है, शॉर्टकट फॉर वीडियो। तो एज अ बिगिनर आप क्या क्या कर सकते हो, कौन से एडिटिंग आप कर सकते हो, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं शॉर्टकट को। तो शॉर्टकट या आपको लिखना है शॉर्टकट फ्री डाउनलोड गूगल पे। आ गए हम शॉर्टकट के साइट पे, ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ ओके, सो यहाँ से आप शॉर्टकट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो शॉर्टकट तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, लाइक लाइनक्स में भी है, मैकओएस में भी है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में भी है। ओके, सो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी सीधा चलते हैं शॉर्टकट के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्टकट सर्च करते हैं और एंटर। सो अभी ये ओपन हो रहा है शॉर्टकट। ओके, सो यही विंडो यहाँ पे ओपन होगा आपके लिए भी, जब कभी आप पहली बार इसको ओपन करोगे। ओके, सो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर है, तो जहाँ पे भी आपको सेव करने हैं प्रोजेक्ट्स को, वो वहाँ पे सेव हो जाएंगे। आपको ब्राउज करके उसको सेलेक्ट करना होगा। इन बार में प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्यूटोरियल 1 करके। ओके, सो ये तो वीडियो मोड तो ऑटोमेटिकली रखना है स्टैंडर्ड पे, वो पहले से ही डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। तो आपको बस स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। हाँ, उससे पहले जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स है, अगर आप पहली बार शॉर्टकट को ओपन कर रहे हो, तो आपके लिए ये विंडो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो अभी चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो ये स्टार्ट हो चुका है। सो ये जो विंडो था, यहाँ दो तीन विंडो है। ओके, सो ये वाला जो इंटरफेस है, ये एडिटिंग वाला इंटरफेस है। यहाँ पे टाइमलाइन वगैरह होती है, यहाँ पे आपके प्लेलिस्ट वगैरह होती है, या फिर एडिटिंग का जो भी आप करते हो वो यहाँ पे दिखता है। और ये जो है, ये आपकी प्रीव्यू वाली स्क्रीन है। ओके, सो हम अभी क्या करते हैं कि दो तीन फाइल्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो दो फाइल्स मैं ऐड कर लेता हूँ, एक ये वाली ओके, सो इन दोनों को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, सो अभी क्या करना है आपको, आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और जो भी वीडियो यहाँ पे रखा है उससे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो आपने ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में लाइन टाइमलाइन के ऊपर आ गया है। ओके, सो ये भी वीडियो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सो दोनों की दोनों वीडियो यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर आ गए। सो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। सो ऑब्वियसली पहले जो रखा हुआ है वो पहले लगेगा और बाद में दूसरा वाला लगेगा। ओके, सो ये दूसरा वाला लग गया अभी। सो ये जो दो वीडियोज़ हैं ऐसे हैं। सो अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, अगर हमें कुछ कट वगैरह कुछ करना है। सो मुझे पहले वीडियो में तो कुछ कट नहीं करना, लेकिन सेकंड वीडियो थोड़ा बड़ा है, तो मैं उसको एंड से मुझे कुछ यहाँ से उसको कट करना है। तो अगर आपको जहाँ से भी कट करना है, तो वहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको स्प्लिट एड हेड प्ले हेड यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि दो पार्ट हो गए उसके। और जो भी पार्ट को आपको डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए, देन बाद में रिमूव, और रिमूव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से ऐसे आप रिमूव कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, तो इसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ओपन फाइल आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है, फोटोज़ वगैरह, ऑडियोज़ या फिर वीडियोज़, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। चूज़ करो और यहाँ पे ओपन कर दो। ओके, सो ऐसे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपके ऐड कर सकते हो, वीडियोज़ आपके, क्लिप्स ऐड कर सकते हो। ओके, फिर बाद में ओपन फोल्डर में यहाँ पे कलर, टेक्स्ट, नॉइज वगैरह, ये थोड़ी एडवांस लेवल की एडिटिंग है, तो वो उसका पार्ट है। ओके, वो मैं आज के एपिसोड में नहीं बताऊँगा। ओके, सो बाद में ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है वो सेव हो जाता है। ओके, मतलब एक फाइल क्रिएट हो जाती है आपके कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ से आप इसको कभी भी ओपन अप कर सकते हो। ओके, जो भी अपनी एडिटिंग के लिए, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। अगर इस
हमेशा आपको इसको सेव करते रहना है टाइम टू टाइम। ओके, बाद में अंडू रीडू है तो आपको पता ही है, अंडू से वापस आ जाएगा रीडू, अंडू से पीछे चला जाएगा, रीडू से आगे चला जाएगा। ओके, देन पिक मीटर, ये साउंड रिलेटेड समथिंग है। देन प्रॉपर्टीज, देन रिसेंट, प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज दिखेगी जो कि क्लिप की है। देन बाद में रिसेंट में रिसेंट प्रोजेक्ट्स आपके दिखेंगे। देन प्लेलिस्ट, देन टाइमलाइन, टाइमलाइन जो है वो आपकी ये है। फिल्टर्स भी रहेंगे। ओके, देन की फ्रेम्स, की फ्रेम्स भी वीडियो एडिटिंग का एडवांस फॉर्म है। देन हिस्ट्री, हिस्ट्री जो भी होगी वो, और एक्सपोर्ट, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको फेड इन आपको इफेक्ट में थोड़े बहुत दिखा के देता हूँ। सो किसी भी वीडियो को फेड इन अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा ऐसे ये करना है और आपको एक ब्लैक सा डॉट यहाँ पे दिखेगा। सो कुछ नहीं करना है, बस उसको ड्रैग करना है ऐसे, सो आपका फेड इन हो जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं अभी वीडियो। सो ये आप देख सकते हैं, ये है फेड इन। और फेड आउट के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से ऐसे ही, यहाँ से ऐसे, तो आपको फेड आउट का भी इफेक्ट लग जाएगा। सो ये जो नॉर्मल से इफेक्ट है ये तो कोई भी वीडियो में होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, सो और भी यहाँ पे देखते हैं अभी, इसको भी प्ले होने देते हैं। सो ये अभी आपको फेड आउट दिखेगा, राइट। सो ये फेड आउट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको ट्रॉप ट्रैक ऑपरेशन से आप इसे कर सकते हो, ऐड ऑडियो ट्रैक कर सकते हो, ऐड वीडियो ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो ट्रैक ऐड हो जाएगा। ओके, देन इंसर्ट ट्रैक, देन रिमूव ट्रैक, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। देन बाद में ट्रैक हाइट कम चाहिए, छोटी चाहिए या फिर मीडियम चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन एरिया, आपको एक क्लिप सिलेक्ट करनी है या फिर होल क्लिप सिलेक्ट करनी है, उसका ऑप्शन है। देन बाद में ये थोड़ा सा एडवांस है। देन अदर में कॉपी एंड रिलोड, देन कैंसिल में कैंसिल। सो आपको एक अगर क्लिप सिलेक्ट करनी है तो आप एक कर सकते हो। अगर आपको सारे करने हैं तो आपको पहले एक करनी पड़ेगी, बाद में कंट्रोल ए दबाना पड़ेगा, वैसे हो जाएगा। ओके, या फिर कंट्रोल दबा के सामने वाले को भी दबा सकते हो, तो वैसे भी वो हो जाएगा। ऑलराइट, सो बाद में अभी इसमें थोड़े बहुत इफेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। ओके, सो ये मैंने पहला वाला जो ये है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। और वहाँ पे यहाँ पे मैं फ़िल्टर में जाऊँगा, और फ़िल्टर में यहाँ पे प्लस साइन का ऑप्शन है, तो वहाँ पे प्लस में करूँगा। और यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट्स देखेंगे, वीडियो के अलग है, ऑडियो के अलग है, तो आप चेक कर सकते हो एक एक करके। सो ये सब कुछ मैं नहीं बताने वाला अभी। सो ओके, सो कुछ कुछ मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि जैसे कलर ग्रेडिंग हो गया, आप इसको कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो आपके हिसाब से आप कलर इसको दे सकते हो, लाइक सिनेमैटिक व्यू देने के लिए। ओके, सो इसको अगर ये देना है तो आप ये दे सकते हो, ये दे सकते हो, ये दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ओके, सो जो आपको चाहिए वो आप दे सकते हो। ऐसे मैं अभी इसको निकाल देता हूँ, राइट। सो बाद में क्या करते हैं कि अच्छा, एक और इफेक्ट टेक्स्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। सो टेक्स्ट सिंपल, सो यहाँ से आप जो भी आपको लिखना है वो यहाँ से, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, ऑलराइट। सो अभी टेक्स्ट लिखा मैंने, यहाँ से आप इसको फॉन्ट दे सकते हो जो भी आपको चाहिए, राइट। मैं आपको ये दे रहा हूँ, इटैलिक अगर देना है तो इटैलिक भी दे सकते हो। ओके, सो इटैलिक ऐसे। सो ये हो गया होगा आपका टेक्स्ट। और बाद में आप इसको कुछ प्रीसेट वगैरह दे सकते हो, साइड इन फ्रॉम, तो ये आपको दिखेगा ऐसे, ऑलराइट। और इसकी साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो यहीं से, ऐसा करके, राइट। और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो। ओके, सो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, रेड चाहिए रेड करो, जो भी चाहिए आप वहाँ से वो कर सकते हो, राइट। सो ऐसे ही प्ले हो जाएगा। ऑलराइट, बाद में एक और इफेक्ट मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, सैचुरेशन वाला। ओके, सैचुरेशन में क्या होता है कि जो भी सैचुरेशन होती है वो बढ़ जाती है, ऐसे आपको दिख रहे होंगे। ओके, कलर जैसा कुछ तो भी बढ़ रहा है, सो एक सिनेमैटिक व्यू देने के लिए अच्छा रहता है। ओके, और बाद में एक और साइज पोजीशन रोटेट, तो आप जूम वगैरह कर सकते हो आपके वीडियो को। ओके, यहाँ से दिन बाद में रोटेट भी कर सकते हो। ओके, सो एडवांस लेवल के एडिटिंग में वो बहुत सारी चीज़ें आती है, की फ्रेम्स वगैरह, तो वो मैं आपको आने वाले एपिसोड में आपको बता दूंगा सारे के सारे। ओके, सो यहाँ के ऑप्शन देख लेते हैं। ये कट वाला है, यहाँ से आप ये कॉपी है, ये पेस्ट है। ओके, ये वाला तुम्हारा स्प्लिट हेड प्ले हेड वाला ऑप्शन है। ओके,
और ये जूम वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ से आप बड़ा कम इसको कर सकते हो आपकी जो भी टाइमलाइन है आपके हिसाब से। आपको अगर अंदर आपको बारीक एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आपका वीडियो जो है उसको हाइड भी कर सकते हो, ब्लैक अगर चाहिए ब्लैक हो जाएगा, यहाँ से ऑडियो भी कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ से लॉक भी हो सकता है। तो लॉक होने के बाद में क्या होता है कि आप उसके ऊपर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए वो होता है, उसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको ऑडियो ट्रैक डालना है तो आप यहाँ से ऐड ऑडियो ट्रैक कर सकते हो, और यहाँ से ओपन फाइल करके यहाँ से कोई भी एक ऑडियो उठा के आप फाइल यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, सो एक और पार्ट यहाँ पे जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन करने के लिए आपको बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एक मैक के ऊपर। ओके, सो यहाँ से ये अपने आप से यहाँ पे एक इफेक्ट आ चुका होगा डिजॉल्व करके। ओके, सो यस दिस इज डिजॉल्व। ओके, सो यहाँ से हम उसको इफेक्ट दे सकते हैं, और यहाँ से आप अगर इसको प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो यहाँ से डिजॉल्व कट हॉरिजॉन्टल बार और जो कुछ भी है आप किसी भी प्रकार के आप ट्रांजिशन उसको दे सकते हो। ओके, तरह तरह के ट्रांजिशन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो मैं यहाँ पे डिजॉल्व ही रखूँगा अभी, डिजॉल्व मुझे अच्छा लगता है तो। ओके, सो ये होगी आपकी बेसिक एडिटिंग, इससे आप बहुत कुछ वीडियो वगैरह बना सकते हो। ओके, सो ऐसे ही आप कर सकते हो बाकी के, यहाँ से फिल्टर्स वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह। प्रॉपर्टीज से क्या होता है, यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ओके, कम ज़्यादा वहाँ पे हो सकते हैं। ओके, तो फाइनली अभी हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है और सीधा एक्सपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको नाम डालना है, और यहाँ से आपको सेव के ऊपर क्लिक, और रेंडरिंग होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो अभी हम देखेंगे इस वीडियो को, तो अभी बस 20 सेकंड में वो रेंडर होने वाला है। ओके, सो ये थी नॉर्मल सी एडिटिंग। ओके, बेसिक बिगिनर लोगों के लिए। सो अगर आपको ये समझ में आती है तो सही बात है, अगर नहीं आती है तो यार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। ओके, सो आप जैसे जैसे मुझे बताते जाओगे मैं वैसे वैसे यहाँ पे वीडियोस डालते जाऊँगा। तो ये हमारा वीडियो है जो हमने बनाया था अभी। ओके, तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा था मैंने, ये जो पहला वीडियो था। ओके, फिर बाद में ये सेकंड वीडियो है उसी का डिजॉल्व वाला, उसको ट्रांजिशन आ चुका है। ओके, सो एक बढ़िया सा अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी इसी से मेरे जो भी वीडियोज है इसी से एडिट करता हूँ, और फ्री है और अच्छा कन्वीनियंट है और अच्छा खासा है, तो मुझे भी ये पसंद है। सो होप अगर आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये अच्छा लगा, आपको यूज़फुल लगा, तो इसको शेयर करिए यार, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि मैं और या ऐसे वीडियो आपको देता रहूँ, और ऐसे ही आप लव शो करते रहो, और ऐसे ही मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ओके, सो टिल देन सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।